सर स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन और पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका नवंबर मंथली एग्जाम में मैथ का एग्जाम होने जा रहा है। तो इस मैथ का एग्जाम का मैंने जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का चर्चा था, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का चर्चा कर लिया था। तो अभी की इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताएंगे, जिस देख लेंगे किस किस रूप में आपका प्रश्न पत्र है। उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि आपका इसका PDF वगैरह कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में इजिली। सभी चीज़ की जानकारी आज के मैथ का क्लियर टेंशन आपको खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगा। इसी चैनल पर जो भी मैथ का ऑब्जेक्टिव का पूरे मैं 30 का ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न तक का ऑब्जेक्टिव बताया हूं, जिसमें आप देख लीजिएगा जो कि साइंस और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए है। तो चलिए इस अभी की इस वीडियो में सीख लेते हैं कि चाहे आप साइंस लिए होंगे चाहे आर्ट्स से होंगे स्ट्रीम से होंगे, तो आप दोनों का सब्जेक्टिव का उत्तर आपको यहाँ पर मैं देकर आने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव का चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव का उत्तर किस रूप में आया है। या बिल्कुल आपके आज का जो मैथ का एग्जाम होगा था बिल्कुल यही प्रश्न पूछा जाएंगे जो कि यहाँ पर एग्जाम में चर्चा कर रहे हैं, जो कि आप क्योंकि देखें केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्जाम में हर एक प्रश्न लग गया था। इसी तरह मैंने आपको जितना भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे हैं सभी का चर्चा कर लिया था, यहाँ तक 30 तक का प्रश्न का चर्चा कर लिया था। तो अभी की इस वीडियो में आप मैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का चर्चा करूँगा, उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि अभी के इस वीडियो में किसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, वो अब मैं आप चलिए बता देने जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं, उससे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहाँ पर कौन सा उत्तर आपको लिखना है, सेक्शन बी अर्थात की लघु उत्तरीय टाइप अर्थात की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव उत्तर आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जो कि मैथ का आपका सब्जेक्टिव उत्तर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय टाइप है अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप है। दीर्घ उत्तरीय का भी नीचे में आपके लिए चर्चा किया गया। चलिए देख लेते हैं आपके दो नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। आपके इसमें दो व्यक्ति के दोनों के दूरी के बीच में यहाँ पर निकालने के लिए बोला था, कुल व्यक्ति की संख्या हो, यहाँ पर देखिए दो नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर तीन नहीं छोड़ दिया गया है, आपको चार नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, कॉट स्क्वायर बाई पाई बाई सिक्स प्लस कॉस्ट थीटा कॉस 5π/6 प्लस 3tan²θ। और यहाँ पर देखिए इसका उत्तर यहाँ तक इसका उत्तर लिखा गया है, तो इसी तरह बना लेना है। फिर आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर पांच नंबर प्रश्न है, तो पांच नंबर प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, पांच नंबर प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए पूरे उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो सात नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया, तो आप आराम से लिख सकते। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आपका फिर आपका नौ नंबर आठ को छोड़ दिया गया, फिर आपका नौ नंबर का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नौ नंबर प्रश्न का उत्तर पूरे प्रश्न को आपको दिखा देने जा रहा हूँ। उसके बाद यह सिखा दूंगा जरूर आपको कि कैसे इसका PDF मिलेंगे। फिर यहां से आपका लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का शुरुआत होता है, यहां से आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का शुरुआत किया गया है, तो यहां से लेकर आप लॉन्ग आंसर जो कि 11 से लेकर 15 तक रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं तीन प्रश्न का उत्तर देना है, तो तीन प्रश्न का उत्तर आपके लिए दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न है। तो सिंपल सा 11 से लेकर 15 तक प्रश्न है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यहां पर लिख दिया गया है। एक मिनट, हाँ चलिए, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दीर्घ द्वितीय टाइप प्रश्न का उत्तर है, तो कितना लंबा तक जाएगा, यहाँ तक से लेकर यहाँ आगे पेज तक भी है, आगे यहाँ पर देखिए आगे पेज तक भी है, यहाँ तक इसका उत्तर लिख दिया गया है। आपको GP निकालने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया गया। फिर नीचे आइएगा तो फिर 12 नंबर प्रश्न का उत्तर, फिर 12 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख दिया गया। फिर 13 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखिए, आगे 13 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख दिया गया, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था tan θ, तो यहाँ पर एक एक प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं आप सिद्ध कर दिया गया। चलिए इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते वो सीख लेते हैं। फिर आगे आपका यहां पर देखिए, जितना सब्जेक्टिव का उत्तर दिखाया, सभी सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जानते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत होता है, और उसके साथ साथ सबसे पहले पेपर आपके पास प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम से पहले। तो अगर आप ऐसे ही हर एक एग्जाम में अगर पेपर लेना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन चला जाए, और जो भी आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव, सभी का उत्तर आपको इस पर मिलेंगे। तो सभी चीज को मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए सीख लेते हैं हमारे साथ किस रूप में इसका डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर इजिली अपने मोबाइल फोन में। सबसे पहला विकल्प है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर दूसरा विकल्प है आपका, तीन विकल्प दूंगा आपको, तीसरा विकल्प एक नंबर आपको नोट कर लेना, इस नंबर पर आपको क्या करना, अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर जैसे ही आप सेंड करिएगा वैसे ही आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक मैथ का PDF चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर लिख दिया गया, तो आप इसे क्या करिएगा, इसे आराम से अपने मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसका नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। फिर तीसरा विकल्प हो गया, तीसरा विकल्प आप वेबसाइट के माध्यम से चलिए सीख लेते हैं। ऑल सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना, जो जो यहाँ पर मैं गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च कर रहा हूँ उसी रूप में आपको सर्च करना है। चलिए एक एक स्पेलिंग को एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च पर क्लिक करता हूँ, और जैसे इस चैनल का जिस पर वीडियो देख रहे हो एजुकेशन ऑफ पब्लिक, इस चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ पब्लिक, आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको 4580 आपको टाइप करना, फिर डॉट लगाना है, फिर डॉट के बाद ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है, ब्लॉग स्पॉट आपको लिख देना है, फिर उसके बाद आपको डॉट और उसके बाद आपको कम लगा देना है, ठीक है, इतना करना है। फिर आप यहाँ पर दो से तीन बार ऑफ के बाद जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने में दिखा देना, यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं इसे कट कर लेना, फिर यहाँ पर पी के बाद स्पेस इसे कट कर लेना, फिर फोर के बाद स्पेस है इसे कट कर लेना, इतना करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए सिंपल सा नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा होम पेज वाले ऑप्शन, सिंपल सा इस वाले होम पेज वाले ऑप्शन पर नहीं तो कोई यहीं से भी आप सर्च कर सकते थे, मैं आपको होम पेज पर लेकर आया ताकि यहाँ पर सभी चीज़ का आप यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्लास 10th का सेक्शन है या क्लास 9th का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइए
करिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्लास 11 का सेक्शन। तो यहाँ पर क्लास 11 वाले सेक्शन पर आपको सिंपल सा फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्लास 11 का नंबर मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप क्लियर से आपसे क्लियर देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सिंपल सा इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपके सामने मैं क्लिक किया, आपका सामने एजुकेशन और पब्लिक वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट का अगला पेज आपके ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर पूरा एजुकेशन और पब्लिक का जो यहाँ पर जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का अपने भाषा में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप डाउनलोड नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी को अपडेट कर दिया गया है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो जितना भी आपको मैथ का सब्जेक्टिव दिखाया तो सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरे चीज़ का अपडेट देखिए आपके सामने मैंने जितना दिखाया सभी चीज़ का आपके सामने मैं लाइव दिखा देने जा रहा हूँ। तो आपके सामने लाइव आपके यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट कर दिया गया। इतना कार्य आपको कर लेना है तो जल्दी से मैथ का सब्जेक्टिव उत्तर डाउनलोड कर लेना है और सिंपल सा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और डाउनलोड आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य करना है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और आप ही दोस्त मित्र के पास शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।